स्वदेश लौटे एथलीट नीरज चोपड़ा, खेल जगत से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। कानपुर टेस्ट के पहले दिन ज्यादातर समय बारिश हुई, जिससे महज 35 ओवरों का ही खेल हो सका। लिहाजा पहले दिन बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 107 रन बना लिए। टीम इंडिया की ओर से आकाशदीप ने 2 जबकि अश्विन ने 1 विकेट झटका। ओलंपिक पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दिल्ली में खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। दरअसल नीरज चोपड़ा के बाद डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लेने के लिए चले गए थे, ऐसे में वो तब स्वदेश नहीं लौट पाए। लिहाजा अब जब वो स्वदेश पहुंचे तो खेल मंत्री से मुलाकात की। वहीं मनसुख मांडविया ने उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, वो इस ऐलान के कुछ घंटों बाद ही आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर बन गए। वे केकेआर में गौतम गंभीर की जगह शामिल किए गए। ब्रावो के मुताबिक उनका दिमाग खेलना चाहता है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, लिहाजा वो नहीं चाहते कि अपने साथियों, फैंस और टीम को निराश करें। बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का मकाओ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी है। अब इस जोड़ी ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। त्रिशा और गायत्री ने चाइनीज ताइपी की जोड़ी को 21-12 और 21-17 से मात दी। मेजबान श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में रिकॉर्ड 602 रन बनाए और फिर पारी घोषित कर दी। इस दौरान चांदीमल और दोनों मेंडिस ने शतक जड़े। इस तरह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी पारी में श्रीलंकाई टीम पहली बार 600 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब रही।